हर एक आधे घंटे एक बंधक मारा जाएगा। अभी अभी एक बंधक को मार दिया गया। हम ना सबसे बड़े मुल्क है या सबसे अमीर। मंदार सीरीज देखने से पहले यहाँ जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाना लगा दिया है।
शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू पुरी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया, जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है, जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं, जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है, जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं
और ये वहाँ डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मुजनू बूढ़ी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोंचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोंचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं।
ये सुनकर मंडा चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोंचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है, जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है। डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा।
मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बुनका शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बुनका छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।
मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार
पर्दा देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा।
मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बुनका शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बुनका छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है। डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।
मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार
पर्दा देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा।
मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बुनका शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बुनका छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।
मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार
पर्दा देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा।
मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बुनका शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बुनका छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है। डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।
मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार
पर्दा देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा।
मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बुन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेडो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है, जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं, जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है, जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।
मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में। आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है,
जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है। डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लेली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई की आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मक्के के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव
पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मक्के की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेडो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मक्के की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मक्के की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंडार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंडार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है, जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं, जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है, जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह अजाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, अजाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है, जिसका नाम मजनू बूढ़ी है, जो एक नाव पर बैठी है, जबकि उसका वर्ड पेडो
पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्काई नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्काई ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुक्काई के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुक्काई घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे, क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्काई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काई की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है। घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया, जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार
एक बच्चे का पिता बने मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मक्के के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मक्के की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है।
स्पीडो आता है समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मक्के की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बून का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मक्के की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है जो बदले में मंडार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंडार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है। डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मजनू बूढ़ी है जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेडो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेडो उस आदमी को देखता है और कहता है मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को
सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्कर ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदोन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे, क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्कई उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काय की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनूपुरी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मकई के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मकई की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मकई की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदोन हलदार से मिलता है और मकई की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया, जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार
गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोंचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोंचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोंचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोंचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोंचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोंचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह जाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, आ जाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बुरी चुड़ैल से होती है जिसका नाम मुजनू बुरी है, जो एक नाव पर बैठी है जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हलदार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के दोस्त बोनका को लेकर डब्लू भाई के आवास पर पहुंचता है जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोंचा डब्लू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्का उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्का की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनूबूरी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है, मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोनका शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मक्के के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मक्के की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मक्के की साइकिल की चाबियां निकालता है जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोनका छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन
हल्दार से मिलता है और मक्के की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्दी आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फांटास के साथ हाथापाई करता है। मोर्डन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वांदोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्ल्यू भाई घर लौटते समय मोर्डन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंडार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंडार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंडार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंडार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है, जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं, जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है, जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मंदार सीरीज देखने से पहले यह अजाने पूरी कहानी वो भी हिंदी में, अजाने कहा देखे इसे फ्री में। एपिसोड की शुरुआत एक बूढ़ी चुड़ैल से होती है, जिसका नाम मजनू बूढ़ी है, जो एक नाव पर बैठी है, जबकि उसका वर्ड पेड़ो पागलपन से नाच रहा है। जब मजनू बूढ़ी अपने बारे में भविष्यवाणियां करती जा रही थी, मोटरसाइकिल पर एक आदमी उनके पास से गुजरा। पेड़ो उस आदमी को देखता है और कहता है, मंदार। अगले दृश्य में मुक्का नामक एक पर्यवेक्षक को सभी मछुआरे को उनके मालिक शक्तिशाली नेता डब्लू भाई के खिलाफ एकजुट करते हुए दिखाया गया है। जब मुक्का ने डब्लू भाई के फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया तो चिंतित डब्लू भाई ने अपने साथी स्थानीय राजनेता मोदन हल्दार के साथ डब्लू भाई के गुर्गे मंदार को फोन किया। मंदार अपने काम के
दोस्त बोनका को लेकर डब्ल्यू भाई के आवास पर पहुंचता है, जहां उसे मुकाय के छुटकारा पाने का आदेश दिया जाता है, जो उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए मंदार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोनका के साथ चल पड़ा। जब मुकाय घर लौट रहा था तो दोनों ने उसका सामना किया और उन्होंने उसे शराब पीने के लिए अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर मोनचा डब्ल्यू भाई का बेटा को पता चलता है कि लेकुमोनी मोडन की छोटी बहन फंटास बोंका के बेटे के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो रही है, जिससे वो नाराज हो जाता है। वो मोडन को बुलाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो अपनी बहन को नियंत्रित करे, क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक नाव पर एक साथ नौकायन करते समय मुक्के उनके वास्तविक इरादों को जाने बिना दोनों के साथ गपशप करता है। हालांकि विरोधाभासी महसूस करते हुए मंदार ने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और मुक्काय की गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। शाम को डब्लू भाई के घर लौटते समय दोनों की मुलाकात मजनूपुरी से होती है, जो एक भविष्यवाणी करता है मंदार गिलपुर के व्यवसाय का राजा बन जाएगा। इस बीच बोन का राजा का पिता होगा। मजनू बूढ़ी की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद मंदार और बोन का शेष भविष्यवाणी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब मंदार अपनी पत्नी लैला के साथ डिनर कर रहा होता है तो पुलिस को मक्के के अचानक गायब होने के बारे में पता चलता है। नव पदस्थापित पुलिस निरीक्षक मुकद्दर मुखर्जी मामले की जांच शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंस्पेक्टर मुकद्दर द्वारा मक्के की लाश को समुद्र से बाहर निकालने जाने की निगरानी करने से होती है। पेड़ो आता है, समुद्र में गोता लगाता है और समुद्री जाल से मक्के की साइकिल की चाबियां निकालता है, जिसे वो मुकद्दर को सौंप देता है। डब्लू भाई के आदेश के तहत मंदार और बोन का छिप गए हैं। उनके कमरे में सोते समय मंदार को एक सपना आता है, जिसमें मजनू बूढ़ी एक कार अपने आप चला रही है। शहर में घूमते समय उसे सेक्स संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ एक डॉक्टर का नाम दिखता है और वो उसका नंबर ले लेता है। इस बीच मुकद्दर मोदन हलदार से मिलता है और मक्के की हत्या और मछुआरे के बीच विकसित हो रही अशांति के बारे में चर्चा करता है। मोनचा जल्द ही आता है और विद्रोही मछुआरों को काम करने से इनकार करते देखने के बाद समूहों पर हमला करता है और विशेष रूप से फंटास के साथ हाथापाई करता है। मोडन तुरंत ही हस्तक्षेप करता है और स्थिति को नियंत्रण में लाता है। इस बीच मंदार अपने स्वंदव दोष और लैला की बिस्तर पर संतुष्ट करने में विफलता के कारण डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है। मोनचा अपने पिता से मिलने जाता है। गुस्से में उनसे मछुआरों को नियंत्रण करने की उनकी क्षमता के बारे में पूछता है और मछुआरे की व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए असफल रूप से पूछता है। डब्लू भाई घर लौटते समय मोडन और फंटास से मिलते हैं और वो स्थानीय मछुआरे के समूहों का नियंत्रण फंटास को दे देते हैं। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी से हैरान होकर फंटास ने ये काम संभाला। वो फोन पर अपने पिता बोंका को इसकी सूचना देता है, जो बदले में मंदार को इसकी सूचना देते हैं। ये सुनकर मंदार चुपके से गुस्सा हो जाता है घर लौटने के बाद और मोनचा को बीमार पड़ता देख चीरे हुए डब्लू भाई ने किसी को फोन किया, जो लैली निकला। ये बाद में मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। लैली लगातार डब्लू भाई के एक बच्चे का पिता बनने की मांग करती है, जिसे वो अनंत करने से इनकार कर देता है। जबकि मंदार डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और अपनी शादी को याद करता है, डब्लू भाई अपने घर लौट आता है। लैली का गुस्सा भरा फोन आने के बाद वो चाहती है कि मंदार एक बच्चे का पिता बने। मंदार अनंत डॉक्टर के पास जाता है और दवा लेता है। इस बीच डब्लू भाई की पत्नी लैली से मिलने जाती है और डब्लू भाई के साथ सोने के लिए उसे कोसती है। फोन पर बात करते समय क्रोधित लैली मंदार से पूछती है कि क्या वो किसी को मार सकता है अगर वो उसे ऐसा करने के लिए कहे। एपिसोड की शुरुआत पेडो द्वारा अपनी झोपड़ी में वापस दौड़ने और मजनू बूढ़ी को सूचित करने से होती है कि मंदार गिलपुर लौट रहा है। मंदार
गिलपुर पहुंचता है और अपने घर लौटता है। रास्ते में फंटास मिलता है जो मछुआरों को उनके काम का निर्देश दे रहा है। घर वापस आकर मंदार और लैली घनिष्ठ हो जाता है। प्यार करते समय लैली मंदार को डब्लू भाई से छुटकारा पाने का आदेश देती है और बदले में उसे एक बच्चा पैदा करने का वादा करती है। इस प्रकार वो मंदार के मन में गिलपुर के मछली व्यवसाय का नेतृत्व करने का विचार पैदा करती है। मोदन और डब्लू भाई लेकुमोनी और फंटास के रोमांटिक मिलन का एक वीडियो देखते हैं जिसे मोनचा ने रिकॉर्ड किया है। मोदन अपनी बहन को नियंत्रित करने का वादा करने के बाद चला जाता है और डब्लू भाई और उसकी पत्नी मोनचा को सूटा हाटी भेजने की योजना बनाते हैं। मंदार और बोंका को डब्लू भाई के घर बुलाया जाता है जहां उन्हें मोनचा को सूटा हाटी ले जाने का आदेश दिया जाता है। मंदार काम पर लग जाता है, घर लौटता है और लैली को इसके बारे में बताता है। उस शाम मंदार और मोनचा मोटरसाइकिल पर सूटा हाटी के लिए निकले। सड़क किनारे एक भोजनालय में रुकते हैं। मंदार मुकद्दर के पास आता है और उससे बात करता है। लैली तैयार हो जाती है और डब्लू भाई के आने का इंतजार करती है। मंदार और मोनचा सूटा हाटी पहुंचते हैं और ये वहां डब्लू भाई के खाली खाली घर में रहने लगते हैं। फोन पर अपने पिता के साथ आंसू भरी बातचीत के बाद मोनचा ने मंदार के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ऐप और प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। हालांकि अगर आप इसे प्राइम वीडियो पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।